बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आई होप ऑल आर यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 13। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस सोहा शफीक। टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक यूनिट ऑफ डेटाबेस एंड द सेकेंड टॉपिक इज सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस और इसके साथ था हमारा प्लॉटर, लेकिन आज हमने जो दो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आपकी बुक में से हैं। एक टॉपिक बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक यूनिट ऑफ डाटा बेस। सम इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट ऑफ डाटा बेस आर एस फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड द वर्ड। ये क्या है? हमारे स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज के यूनिट्स हैं कि जब हमारा डाटा किसी भी कोई भी हमारा डाटा फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है तो ये या तो बिट में, बाइट, किलोबाइट, इन यूनिट्स में हमारा डाटा स्टोर होता है। बिट, बाइट, ये अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कंप्यूटर में अपने हमारे डाटा को स्टोर कर देती हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा यूनिट कितनी स्टोरेज लेता है, कितना डाटा स्टोर कर सकता है और मेमोरी में कितनी जगह घेरता है कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। बेसिक यूनिट ऑफ डेटाबेस में सबसे पहले हमारे पास यूनिट है बिट का। द बिट डिजिट 0 और 1 इज कॉल्ड बिट। बाइनरी नंबर 0 और 1 क्या कहलाते हैं? बिट कहलाते हैं। 0 भी एक बाइनरी नंबर है और 1 भी एक बाइनरी नंबर है। आपको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म की समझता है 0 और 1 की फॉर्म, ठीक है? तो ये 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर्स है हमारे पास और ये क्या कहलाते हैं? बिट, एक बिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा बेस। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट। ये क्या है? 0 और 1 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज डाटा का और कंप्यूटर वर्क क्या करता है? इन्हीं डिजिटल नंबर्स के थ्रू, बाइनरी नंबर्स के थ्रू काम करता है। 1 बिट टेक 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है? कोई भी अगर डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ए स्टोर किया है तो ये बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है जो कि कंप्यूटर में स्टोर होगा और किसी भी लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन में अपने डाटा को स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा। और सेकंड वन है हमारे पास बाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। बिट है हमारे पास 0 और 1 और जब 8 बिट मिलके 1 बाइट बना देती हैं, ठीक है? कोई भी 8 बिट होंगी 0 1 1 0 0 1, वो क्या है बना देंगी? एक बाइट बना देंगी। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज एक्सपायर्ड इन टर्मिंग ऑफ बाइट, ठीक है? कोई भी सिंगल करेक्टर हमने स्टोर करना हो तो हम बाइट को यूज़ करेंगे, बाइट डाटा को। ये बिट से थोड़ी बड़ी है लेकिन ये भी एक स्मॉलेस्ट ही यूनिट है डाटा स्टोरेज का। जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो स्टोरेज क्या है कैपेसिटी इस बाइट पे निर्धारित करती है कि ये बाइट कितनी है, कितने बाइट इसमें डाटा को स्टोर किया गया है। थर्ड वन है किलोबाइट। अ किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बिट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय KB, ठीक है? जो बिट हमने बताई 0 1, 8 बिट मिलके बाइट बनते हैं लेकिन 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बना देते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास 1024 बाइट मौजूद हैं तो वो 1 किलोबाइट बनाएंगे। और इसको किससे जाहिर करते हैं? KB से, कैपिटल K और कैपिटल B के साथ किलोबाइट को हम डोनेट करते हैं। इसका जाहिर करने का जो है तरीकाकार KB है। हेयर वी हैव अ फोर्थ टाइप ऑफ, फोर्थ यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज, मेगाबाइट। मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट। अगर हमारे पास 1024 किलोबाइट मौजूद हैं तब क्या बनेगा? 1 मेगाबाइट बनेगा, ठीक है? किलोबाइट हमारे पास बनते थे 1024 बाइट लेके और मेगाबाइट क्या बनेगा? 1024 किलोबाइट लेके हमारे पास मेगाबाइट बन जाएगा। और इसको डिनोट करने के लिए क्या ज़रूरी है? MB, कैपिटल M और कैपिटल B के साथ मेगाबाइट को हम डोनेट करेंगे। फोर्थ वन इज़ गीगाबाइट।
अ गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगाबाइट, वही 1024 मेगाबाइट को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाएगा, गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, गीगाबाइट, और इसको डिनोट करते हैं GB, यानी कि कैपिटल जी और बी के साथ इसको गीगाबाइट को डिनोट करते हैं। द 6th इज टेराबाइट। टेराबाइट भी बिल्कुल इसी तरह है, अगर 1024 गीगाबाइट को कलेक्ट कर लिया जाए तो 1 टेराबाइट हमारे पास वजूद में आएगा। 1 टेराबाइट, 1024 मेगाबाइट गीगाबाइट को कलेक्ट करके टेराबाइट हमारे पास आएगा, और ये जो है काफ़ी बड़ा, यानी कि बेसिक यूनिट्स का, डाटा स्टोरेज का काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाता है 1024 गीगाबाइट, राइट। और इसको हम अगर डोनेट करना हो तो TB, यानी कि कैपिटल T और कैपिटल B के साथ ही हम इसको डोनेट करेंगे। कॉमनली यूज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, फॉलोइंग स्लाइड में जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो यूनिट्स हैं, और इसको जो स्टोरेज कैपेसिटी या टर्मिनेट के लिए हम यूज़ करते हैं वो एग्जांपल ली गई है। जैसे कि यूनिट दिया गया है किलोबाइट, और इसको हम डोनेट कैसे कर सकते हैं, के साथ और KB के साथ। नंबर ऑफ बाइट इसमें क्या करें, 2^10, 2^10 अगर हमारे पास पावर है तब हम किलोबाइट में इतने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सेट 1 इज मेगाबाइट, मेगाबाइट को हम डोनेट करने के लिए M और MB इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों कैपिटल होने चाहिए, और इसके नंबर्स ऑफ बाइट इसमें क्या होते हैं, 2^20। थर्ड वन आता है हमारे पास गीगाबाइट, G और कैपिटल GB के साथ इसको डोनेट करेंगे, और नंबर ऑफ बाइट इसमें आएगा 2^30, राइट। लास्ट वन है हमारे पास टेराबाइट, टेराबाइट को अगर हमने डोनेट करना हो तो हम कैपिटल T और TB के साथ डोनेट करेंगे, और इसका नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितनी होंगी, 2^40, यानी कि 2^40 में जितने हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम टेराबाइट में इतने बाइट डाटा हमारे पास स्टोर होता है, राइट स्टूडेंट्स। द लास्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इज वर्ड। वर्ड एक्चुअली क्या है, द कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइट इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जो कंप्यूटर वर्ड है, यानी कि WORD, वो क्या है, डिफ़ाइन करता है, कॉमन यूनिट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में हम पहले से डिफाइन मौजूद है। इट इज़ नॉर्मली द साइज़ ऑफ अ रजिस्टर, एक रजिस्टर के साइज़ का ये वर्ड हमारे पास मौजूद होता है। द लेंथ ऑफ वर्ड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर, द लार्ज वर्ड इंस्टेड मोर पावरफुल कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के टाइप में वर्ड की मुख्तलिफ कैपेसिटी है स्टोर करने के लिए, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में थोड़ी सी कम है, उससे भी बेहतर है, लेकिन ये किस पे कंसिस्ट करता है, जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर की टाइप होगी, जितनी बेहतरीन हमारे पास कंप्यूटर की टाइप है, वर्ड भी उसके बेहतरीन उसमें कैपेसिटी रखता होगा डाटा स्टोर करने के लिए। ये एक तरह की रजिस्टर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। अगर नंबर ऑफ बाइट, यानी कि 1 बाइट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ बिट उसमें कितनी होंगी, 8 होंगी, ठीक है। और कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं किस टाइप के एरा में, तो वेरी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर। 1 बाइट में 8 बिट्स के साथ जो पर्सनल कंप्यूटर नॉर्मली यूज़ होते थे उसमें ये यूज़ होते हैं। लेकिन अगर पास हमारे पास 2 बाइट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ बिट्स क्या होंगे, 16, और ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स में 8 बिट्स वाले डाटा को स्टोरेज को सेव करेंगे। अगर सिंगल वर्ड है, यानी कि सिंगल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो नंबर ऑफ बिट्स में होंगी 32, 32 बिट्स होंगी अगर एक वर्ड यूज़ हो रहा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स में ये वर्ड जो है, बिट जो है, 32 बिट्स वाला यूज़ होता है। लेकिन अगर हमारे पास डबल वर्ड है, डबल वर्ड जैसे कि एग्जाम्पल में आपके बुक पे दिया गया है, डबल वर्ड है हमारे पास, तो नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितने यूज़ होंगी, 64, डबल वर्ड में 64 बिट्स डाटा जो है यूनिट का स्टोर होगा। और ये सुपर कंप्यूटर एंड सम माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, यानी कि 64 बिट्स का डाटा जो है जिसमें वर्ड यूज़ होता है, तो ये वो या तो सुपर कंप्यूटर होते हैं, बहुत आला क्वालिटी के सुपर कंप्यूटर, आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं, या फिर कोई माइक्रो कंप्यूटर जो कि अच्छे माइक्रो कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये वर्ड 64 बिट के साथ डाटा को स्टोर करता है।
आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, और दूसरा जो है वो है सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिस्टम। सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? अ सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट दैट वर्क विद ईच अदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम बेसिकली कंपोनेंट्स का ऐसा मजमूआ है जो एक जगह इकट्ठे होते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर सके। कोई भी काम अगर हमने करना है तो उसके लिए कंपोनेंट्स, यानी कि कुछ काम करने के लिए स्पेसिफिक फॉर्म के लिए चीज़ें अलग अलग मुहैया होने ज़रूरी हैं, तो ये कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं ताकि स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर सकें। डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन अ सिस्टम, राइट। अगर आपके सिस्टम में कोई काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए डिफरेंट यूज़र्स होंगे, डिफरेंट डिवाइसेस होंगे जो डिफरेंट काम को इस्तेमाल करेंगे, काम अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म। और एक्चुअली प्रोसीजर क्या है? अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म इन रेगुलर एंड स्पेसिफिक ऑर्डर टू कम्प्लीश अ टास्क। प्रोसीजर एक ऐसे अमल को कहा जाता है जो किसी भी काम को, रेगुलर काम को, स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए एक तरतीब के साथ अमल दरामद होता है। वो क्या लाता है हमारा प्रोसीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ अ प्रोसीजर इज़ एन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली हम स्टूडेंट्स की मिसाल लेते हैं, अगर उसने किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो ये एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा उसको उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए, राइट। यही प्रोसीजर स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू सरंजाम दिए जाते हैं जो कि एक सिस्टम है। हियर वी डिस्कस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्डवेयर। किसी भी कंपोनेंट में काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए जो कि कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब फर्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में जो टचेबल हों, आप इसको टच कर सकते हैं, ये आपके हार्डवेयर्स कहलाते हैं। सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं हाउ टू परफॉर्म एंड वेयर टू परफॉर्म, क्या कहलाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज पीपल और यूज़र। कंपोनेंट्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में पीपल और यूज़र एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम का, क्योंकि यूज़र क्या चाहता है, पीपल क्या चाहते हैं, ये एक लाजमी कंपोनेंट्स में शुमार होगा। फोर्थ वन इज़ डाटा और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा जो इंटर किया जाता है और इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म में जो एक आउटपुट निकलती है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा क्योंकि डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तभी कोई प्रोसेस कंप्लीट किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन सेटअप। कम्युनिकेशन सेटअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जितने के बाकी दूसरे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इनके दरमियान होगी तभी हम एक सिस्टम के दूसरे डिवाइसेस के साथ रابطہ कर सकते हैं और उसका यूज़र्स के साथ हम रابطہ करने के लिए कम्युनिकेशन सेटअप को ही इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन फर्स्टली यू केयर फुल रीड ऑन योर बुक एंड देन आस्क मी सम क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, घर में रहें ताकि आप खुद भी महफूज रखें और अपने घर वालों को महफूज रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।